खतरनाक शिकारी जीवों में शुमार शार्क, जिसके दांत और जबड़े इतने बड़े होते हैं कि उसके लिए किसी मछली या अन्य समुद्री जीवों का शिकार करना बस चंद सेकंड्स का ही खेल है। मगर आकार में सबसे विशाल शार्क भी मछली की एक प्रजाति से डरती है, और वो भी उस प्रजाति से जो दिखने में बेहद क्यूट होती है और हरकतों से बेहद नटखट। और आप में से कई लोग इनके साथ खेल भी चुके होंगे। ये क्यूट सी दिखने वाली मछली का नाम है डॉल्फिन। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि खतरनाक शार्क आखिरकार क्यों एक छोटी सी क्यूट सी डॉल्फिन से डरते हैं। शार्क के जबड़े और नुकीले दांत एक नाव तक को फाड़ कर रख सकते हैं, तो डॉल्फिन उसके आगे क्या है, यही चल रहा होगा आप सभी के दिमाग में। मगर ये बिल्कुल सच है, बताते हैं कैसे। दरअसल डॉल्फिन समुद्र में पाए जाने वाले सबसे समझदार जीव माने जाते हैं। इन्हें मालूम होता है कि इन्हें अपने शिकारी से कैसे बचना है। इसके साथ ही डॉल्फिन में ये खासियत होती है कि ये अपने आसपास के दायरे में दूर से ही सभी जीवों के बारे में मालूम कर लेती हैं। डॉल्फिन के पंखों का आकार बड़ा होता है। इसके ऊपरी पंख अन्य पंखों की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। डॉल्फिन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो हर बार अपने शिकारी से बच जाती है। अब शार्क से बच के निकल जाना एक अलग बात है, और शार्क का डॉल्फिन से डरना अलग। ये भी आपको आगे बताएंगे कि शार्क डॉल्फिन से डरती क्यों है। मगर उससे पहले डॉल्फिन इतनी फुर्तीली और समझदार कैसे होती है, इस पर बात कर लेते हैं। डॉल्फिन की तेज रफ्तार का कारण होता है उसकी लचीली हड्डियां और मांसपेशियां, जिसके कारण वो पानी से बाहर करीबन 20 फीट तक छलांग लगा सकती हैं। डॉल्फिन के ऐसे करतब आपने कई बार देखे भी होंगे। डॉल्फिन ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उसकी पूंछ हॉरिजॉन्टल शेप की होती है, और इसी हॉरिजॉन्टल शेप के कारण डॉल्फिन बड़ी ही आसानी से पानी में नीचे और ऊपर की तरफ गोते लगा पाती है। वहीं दूसरी ओर शार्क की पूंछ वर्टिकल शेप की होती है, जिसके कारण शार्क अपने दाएं बाएं तो तेजी से मूवमेंट कर पाती है, मगर ऊपर नीचे के मूवमेंट में वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इसी कारण डॉल्फिन शार्क की पकड़ में नहीं आ पाती है। दरअसल जब शार्क डॉल्फिन का शिकार करने उसकी तरफ जाती है, तो लचीली डॉल्फिन तुरंत शार्क के नीचे चली जाती है, और इससे पहले कि शार्क भी नीचे की ओर जाए, डॉल्फिन अपने मुंह से शार्क के पेट में जोरदार वार करती है, और ऐसा वो लगातार करती रहती है। डॉल्फिन का मुंह आगे से लंबा और तीखा होने के साथ साथ काफी कठोर भी होता है, जिसके कारण शार्क को गंभीर चोटें आती हैं, और उसके पास वहां से जान बचाकर भागने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। इसके बाद अगर एक बार के लिए डॉल्फिन शार्क की पकड़ में आ भी जाए, तो डॉल्फिन के बाकी साथी उसे बचाने के लिए शार्क पर जोरदार हमला करने लगते हैं, जिसके बाद शार्क को वहां से भागना पड़ता है। आपको बता दें कि समुद्र में शार्क को अकेला रहना पसंद होता है, वहीं डॉल्फिन हमेशा अपने ग्रुप के साथ ही रहती है, जिसके कारण वो अपने शिकारियों से बचने में कामयाब हो जाती है। इसका मतलब है कि शार्क के पास केवल एक ही मौका होता है डॉल्फिन का शिकार करने का। अगर वो उससे चूक गया, तो इसके बाद वो उस डॉल्फिन के इर्द गिर्द भी नहीं घूम सकती।